हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें ये वार्ड नंबर 25 पड़ता है। यहाँ बड़ी परेशानी का सबब बन रहा था। दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, फरीदाबाद में हम पहुंचे हैं इस टाइम। यहाँ पर आपको बताऊँ, तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश नागर मौके पर मौजूद है। समस्या किस बात की आ रही थी कि काफी लंबे अंतराल के बाद, आपको बता दें ये जो रोड की समस्या है, ये एक बहुत यहाँ से लेकर यहाँ तक के आगे कम से 1 किलोमीटर की जो सड़क थी, ये गंभीर विषय बन रही थी। नहर पार का काफी मीडिया में छाई रही थी, क्योंकि बरसाती पानी की वजह से परेशानी में रही, कई दिनों से परेशानी में रही। मामला पहुंचा विधायक के पास और यहाँ पर समाधान करने पहुंचे हैं। समस्या क्या है पहले वो पूछते हैं। सर, आपके पास संज्ञान में मामला पहुंचा होगा, बहुत दिन से गंभीर विषय चल रहा था, कई लोग यहाँ पर गिरे हैं, चोटें लगी हैं और अच्छा खासा यहाँ पर नुकसान लोगों को पहुंचा है, दुकानदार नुकसान में चल रहे थे, कैसे मामला पहुंचा और इसका समाधान कब तक हो रहा है? देखो, यहाँ पर सीवर लाइन का काम बहुत दिनों से चल रहा था। उसकी वजह से जो खुदाई हो रही थी या जो सीवर लाइन डाली जा रही थी, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। और सीवर लाइन का काम पूरा हो चुका है और जल्दी सड़क का काम चालू हो जाएगा और जल्दी ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि लंबा हिस्सा है सर, कब तक का हो, कितने का एस्टीमेट है? क्योंकि यहाँ से लेकर देखा जाए तो बहुत अच्छा खासा मतलब वोट बैंक है, या फिर हम कहते हैं जनता है, कम से कम मुझे लगता है लाखों की आबादी है इधर। एक मुख्य सड़क जो फरीदाबाद को दिल्ली से जोड़ती है, ये वो सड़क थी और इस पे जो काम सीवर की वजह से नहीं हो पा रहा था, पूरा जो सीवर का काम चल रहा था वो काम पूरा हो चुका है और उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी और अब जल्दी ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। कितने की लागत आ रही है और क्या क्या इसमें बनेगा, या सीवर लाइन है या फिर क्या क्या सब पड़ेगा? डल गई है, पानी की लाइन भी डल चुकी है और इसके नालियों के लिए भी हमने जो 2 JCB इस क्षेत्र को दे दी है, जिससे नालियों की सफाई हो सके और नाली की सफाई का काम भी कई दिनों से चल रहा है और जल्दी वो नाली की सफाई का काम पूरा हो जाए। सड़क के साथ साथ गलियों में भी बात देखा जाए तो काफी गलियां खराब हो रखी है, इंटरलॉकिंग टाइल की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप बना रखे हैं लोगों ने, तो हमें भी बहुत बार लोगों ने सुनाया है। इंटरलॉकिंग टाइल का थोड़ा सा इशू चल रहा था कि पुरानी और नई आने का जो टेंडर में था वो इशू ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और जल्दी इंटरलॉकिंग टाइल जो गलियों में रह गई है, जहाँ जहाँ इंटरलॉकिंग टाइल डालनी है, वो उसका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। उम्मीद करें सर दिवाली से पहले ये तोहफा लोगों को मिल जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इनमें दिक्कत है, बहुत ज्यादा लोग अंदर। बहुत जल्दी ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। आपको लगता है कि आप सब काम से संतुष्ट हैं? आपको लग रहा है कि आज जो काम हो रहा है आपकी नजर में ठीक है? सारे एक सुन में बताएगा, हमें विश्वास है वो करवा देंगे। हम लोगों को विश्वास है राजेश नागर जी पे। पहले भी यदि कोई समस्या आया है हम लोगों के बीच में, हम लोग गए हैं, उन्होंने सुना है और आज भी उम्मीद है, पूरे दिल से हम लोग कहते हैं कि उम्मीद है कि वो करवा देंगे। इससे पहले किस किस के पास गए थे जो समस्या का समाधान नहीं करा? नगर पार्षद के अलावा और किसके पास जाएंगे ही? अच्छा, तो क्या मिल रहा था सुनने को? कुछ भी नहीं। अच्छा, नहीं जिम्मेदारी तो बनती है सबकी? नहीं, जिम्मेदारी तो सबकी ही बनती है, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। 11-12 साल तो उन्होंने कटा दिया ऐसे ही, अब करवा दे रहे हैं, करवा ही देंगे, तुरंत ही करवा देंगे, करते करते 12 साल बीत गए उनके अवधि का। अब खत्म हो गया है, आकर के नारियल तोड़ देते हैं कि अब हम रोड बनवा देंगे। अरे दिवाली से पहले जो 14 वर्ष का वनवास चला था, 2 साल और झेलने वाले थे आप? हाँ, यही है। अच्छा, समझ नहीं आया क्वेश्चन मुझे लगता है ना। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा, जैसा आपने भी क्वेश्चन किया था कि आप किसके पास गए थे, यहाँ की जनता पार्षद जी के 2 कार्यकाल देख चुकी है। जब तक उनके पास में थैला था तब तक तो उन्होंने उसमें से कुछ निकाल के दिया नहीं। जब 19 फरवरी को थैला जमा हो गया, अब इधर तो लॉलीपॉप देते घूम रहे कि हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे। वीडियो तो काफी चल रही है कि आप शायद 2-4 दिन में उद्घाटन की वीडियो की। सर केवल वीडियो चल रही है। इससे पहले एक बार कृष्णा कॉलोनी में फोड़ के गए थे नारियल, उसके बाद दोबारा मुड़ के देखने नहीं आए यहाँ पे। ये बता दें आप सुने, आप मीडिया वाले हैं, आपने कितनी बार उसे पूछा कि आपके पास पद रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं, क्यों नहीं पूछा? आप मीडिया वालों ने क्यों नहीं पूछा कि भाई आप सब पद बने हुए और क्यों फोड़ रहे हैं नारियल? वो पद बन रहा है तब तो फोड़ा नहीं, अब पद बने हैं नारियल फोड़ते जा रहा है। अच्छा, वक्त रहा तो फोड़ा नहीं, अब वक्त आए तो फोड़ रहे हैं। अच्छा, उसी कौन मनाता करेगा? अच्छा, तो काम तो मिल रहा है ना आप सबको? हमारे विधायक जी करा रहे हैं काम, ही तो मिल नहीं पा रहा है। विधायक जी तो करा रहे हैं काम, उम्र के हिसाब से पूरी जवानी आश्वासन को जगह हुआ है कि शायद अब काम हो। अभी तक तो 12 साल तो बनवास, जैसे 14 वर्ष के बनवास बताए तो बनवास ही बनवास था, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन होने के आगे बाहर आ रहे हैं, मतलब आप हो सकता है कि कुछ अब कार्य दीपावली से पहले दिवाली से तभी पूछा है, दिवाली से पहले बनवास
कटेगा? आशा तो यही है, आशा के ऊपर सब कुछ। इलाके की दिक्कत का जो बनवास चल रहा था वो लोगों के मुताबिक 12 साल का बनवास था वो कट रहा है। एनीवे और लोगों से पूछते हैं, आपको बता दूं ये सड़क क्या है। सड़क दरअसल दयनीय हालत में थी। हालत कैसे है? क्योंकि लोगों की समस्याएं थी, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से रोजाना लोग निकलते हैं और खासकर दिल्ली यहाँ से मात्र 50 मीटर दूरी पर है। इस इलाके के बाद दिल्ली शुरू हो जाती है। और यहाँ नहीं दिखाते दिखाते भाई, एक बार आगे भाई, एक बार हट जाओ है, एक बार आपको सड़क की वो हालत दिखा देता हूँ। सड़क की हालत क्या है, वो सड़क की पहला आज उद्घाटन हुआ है शायद इसी, आज यहाँ का पत्थर लगा हुआ है, मतलब पत्थर रख दिए गए हैं, लेकिन पत्थर की शुरुआत और पत्थर का बनाने का काम अब कितने टाइम पे पूरा होगा ये तो सवाल के घेरे में है। ये हालत दिखा दे, मतलब समझ में आ रही है, बीच में आप चले जाइए, शहर में पानी, शहर में बरसात हो या ना हो, लेकिन इस इलाके में पानी आपको जरूर मिलेगा। शहर में कुछ भी ना हो, दिक्कत हो, चाहे बरसात हो, चाहे कड़ी धूप चल रही हो, इस इलाके में आपको पानी जरूर मिलेगा। ये बुरा हाल है। यहाँ देखिए पूरी भीड़ इकट्ठा है, मौके में मौजूद भीड़ है, तमाम जो लोग इकट्ठे हैं कोशिश करते हैं जाने की कोशिश करते हैं। क्यों भैया, कितने दिन से समस्या चली आ रही थी? यहाँ से यहीं के निवासी हो? मुस्कुरा है क्या? 10 साल हो गया कॉलोनी बनी है तब से। कितने साल से? मतलब क्या समस्या? तुम सुनने में आई थी, पहले तो सड़क थी, पहले तो सड़क थी, लेकिन जब सीवर का काम चला है, सरकार तो कहती तो सीवर का काम चला, उसी वजह से तो सड़क टूटी है। सड़क तो तीन बार बन चुकी है कागजों में, पानी का मेन पानी का व्यवस्था ही नहीं, पानी की वजह से तीन बार बन चुकी है। यहाँ पर पानी के निकास का कोई जरिया ही नहीं है, तो अब गड्ढा हो, अब उम्मीद जागी है, अब उम्मीद जागी है। अभी नारियल तो पहले भी टूटा हुआ है, आज भी टूट रहा है, लेकिन देखो अगर दीपावली पहले कुछ कार्रवाई होती है तो माना जाएगा कि यहाँ कुछ प्रगति पर है, अदरवाइज जैसे कहते हैं। और लोगों से जाने की कोशिश करते हैं, और लोगों से कोशिश करते हैं, समस्याओं का अंबार है। हाँ भैया, समस्याओं का अंबार था क्या? बिल्कुल समस्याओं का ही अंबार है, चेहरे से तो लग नहीं रहा। क्षेत्र का दुर्भाग्य दुर्भाग्य है। अच्छा, क्या 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 कहना चाहेंगे? एक बात हो, आप सब तो सारे एक ही टीम में रहते थे, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आप तो एक ही टीम में रहते थे। देखिए हमारे को छोड़ दो, देखिए हम एक समाज के प्रति समर्पित व्यक्ति हूँ। मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे मत सोचिए समर्पित। मैं 2014 से राजनीति में भारतीय जनता पार्टी। मुद्दे पे आइए सर, समस्या थी उसका क्या समाधान था, क्या परेशानी थी? ओके समस्या हमारी है, समस्या का समाधान, बीच में रोडे बनी फिर खराब की गई, फिर रोडे बनी फिर खराब की गई, बार बार ये जो हो रहा है इसमें तो राजनीति है कि बेवकूफ बनाना जनता को। इसकी कमी मानते हैं, इसकी कमी, जो जिम्मेदार है वो निगम पार्षद, क्षेत्र का जिम्मेदार कौन होता है? क्षेत्र का जिम्मेदार निगम पार्षद होता है, निगम पार्षद का कार्य होता है कि अपने क्षेत्र में। सत्ता तो एक ही है। हाँ वो बोलने वाला हूँ मैं ना, रुकिए, सुख तो सभी को नहीं, तो सत्ता एक ही है, सत्ता काम ठीक कर रही है, ये लोकल अपना क्षेत्रीय मुद्दा होता है। एक ही को क्यों पकड़ रहा है? सत्ता तो सबकी होती है फिर। हाँ तो बोलता हूँ, अभी बीजेपी क्यों फिर? तो आपके अंदर भी मैं बीजेपी का हूँ, इसीलिए तो बीजेपी के लिए लड़ रहा हूँ, हम बीजेपी के लिए तो काम करवाना चाहते हैं। जो व्यक्ति काम नहीं करेगा वो चाहे बीजेपी में है फिर भी हमारे लिए वो व्यर्थ है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम बीजेपी के साथ जुड़ करके मतलब आप समाज के लिए काम करना चाहते हैं। मतलब ये मानते हैं कि आप 12 साल से समस्याओं में जी रहे थे, अब उद्धार होने का टाइम आया है। टाइम देखिए, एक मिनट रुके, उद्घाटन तो हुआ नहीं, नहीं मैं कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट रुके, समस्याओं में हम लोग इसलिए जी रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक नारियल जो फोड़े जाते थे एक व्यक्ति विशेष द्वारा फोड़े जाते थे। नाम बताइए। जो कर्म जो निगम पार्षद है वो फोड़ता था, जो क्षेत्र का जिम्मेदार है वो फोड़ता था। अच्छा। उसने अपने कर्म को नारियल से कर देता था लेकिन उसका रिजल्ट देने में कमियां करता था। अच्छा। उसको कोई भी चीज ऐसी बननी चाहिए जो टिकाऊ हो। ओके, ओके। टिकाऊ नहीं है तो गर्म जोशी भरी पड़ी है। ओके, ओके, अच्छा। पहले से गर्म थे, दो बार मंडल अध्यक्ष रह चुका हूँ बीजेपी का, मुझे जानता हूँ, राजेश नागर जी, राजेश नागर जी के साथ अभी मैं भी किसी से उतना जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन ठाकुर ब्रजेश। ओके ओके, चले चले चले, हाँ चले। अभी आपको बता दूं मुद्दे की बात, जो मुद्दे की बात यह है कि अब ये आज यहाँ नारियल तो फूट गया है, आज यहाँ नारियल तो फूट गया है, लेकिन ये नारियल फूटना ये लोगों का आरोप है कि नारियल तो फूटते रहे तीन बार, लेकिन आज लोगों का एक सीधा सीधा आरोप पार्षद पर गया था कि पार्षद ने लगातार कई बार नारियल फूटे, काम नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इस बार MLA यहाँ पर नारियल फोड़ के गए हैं तो लोगों को उम्मीद जागी है कि ये रास्ता और ये जो समस्या है उसका समाधान होगा। चलिए देखते हैं, ये जो वक्त बताता है कि किसके नारियल कब जिसने फोड़ा और कौन किसका काम करा रहा है। इस बार नारियल विधायक साहब ने फोड़ा है, तो उम्मीद करते हैं काम जल्द से जल्द शुरू होगा।
और उन लोगों को जो दिवाली का अवसर है, जो दिवाली का टाइम है, एक समस्या बता दूँ, इस इलाके में गेस्ट नहीं आते लोगों के, अगर बाहर से गेस्ट आए तो उनको रोक दिया जाता है क्योंकि जगह ही नहीं है। समस्या ये है कि रास्ता ही नहीं है। चलिए आने वाला वक्त बताएगा कि रास्ता कब तक बनकर तैयार होता है। साथ ही आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए।